Here's your paper. Thank you. अलग-अलग पैकेट। Me being the true Pakistani। मतलब पसंद नहीं आया तो हमने ये पैकेट चेंज कराया है कि शादी देखने। Sorry। It's okay। है लूडो लेने। बहुत महंगा डाला है। यहाँ पे आपको लग रहा है कोई भी अच्छी नहीं है। बच्चों को और बच्चों की अम्मा को बच्चों के बाबा ने बहुत मुश्किल से निकाला है यहाँ से। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? हमारी आज की शॉपिंग कुछ यूँ है। बिस्किट्स जो हैं ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है फ्राइडे और मेरे बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मतलब मैं सुबह को पढ़ा रही हूँ, मतलब मेरी दुनिया रुकी हुई है, बिल्कुल लिटरली रुकी हुई है। उसको पढ़ाने बैठती हूँ, ऐसे टाइम गुजरता है और मैं कहती हूँ सुबह तुमने अभी किया क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। एक्चुअली हमने अब प्रिंटर ले लिया ना, तो उससे ज़रा ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है। पहले प्रिंटर था नहीं और कुछ उसके लास्ट टाइम पेपर हुए भी नहीं थे, क्योंकि अभी नई नई एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था हम छोटे बच्चों के पेपर्स नहीं लेंगे। तो अब उन्होंने उनके फर्स्ट टर्म जो है वो ले रहे हैं, तो मतलब उसकी जो मंथली टेस्ट होते हैं ना वो नहीं हुए ना, वो हुए होते ना तो ऑलरेडी उसकी तैयारी हुई होती। तो मेरा भी अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये लगा था कि शायद इन लोगों के पता नहीं यहाँ पर शायद पेपर ही नहीं होते हैं इनके स्कूल में इतने बच्चों के, और अब्दुलरहमान के होते हैं और वो माशाल्लाह पढ़ लेता था, वो कर रहा था तैयारी साथ साथ, तो इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो एकदम से वो जब डेट शीट आई तो मैं तो हैरान और परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। तो मैं तो तब से बेचारे को ना, मैंने कहा दुश्मन अब तो जी चक्की पीसिंग करूँगी मैं, कह रहा हाँ बब्बा मुझे पता है मेरी जान ही छोड़ेगी, मैंने कहा बस सब पेपरों की तैयारी हो जाए ना तो उसके बाद ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूँगी। और नॉर्मली मैं उनको ऐसे ही पढ़ाती हूँ, पेपरों में बेचारों की जान खूब खाती हूँ, सभी करते हैं ऐसे, बाद में फिर उनकी जान छोड़ देती हूँ। अपनी जान मेरी जो है ना बस हुई हुई है, क्योंकि थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसको लेके बैठती हूँ मैं, ज़रा सी इधर से उधर होती हूँ उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और मुझे इधर उधर होना पड़ता है क्योंकि मैंने बच्चों को खाना भी देना होता है, फिर घर की सफाई और भी दूसरे काम भी होते हैं। तो बस फिर ये है कि आजकल हमसे पढ़ना खेल रहे हैं सारे घर वाले, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं ऐसे ही, बस बच्चों को थोड़ा सा उनका माहौल चेंज हो जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए। काफ़ी दिन हो गए इनको बाहर नहीं लेकर गए, बस पढ़ा ही रही हूँ। लास्ट वीक भी कहीं नहीं लेकर गई थी, पूरे वीकेंड हम लोग घर पे रहे थे और मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तैयारी इसकी हो गई है तो मैं भी थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि इनको बाहर लेकर चलते हैं, बच्चे थोड़ा इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। तो चलें चलते हैं भाई। सम बॉयज मुझे तो ले जाओ प्लीज। उड़ीज हाय, अस्सलाम वालेकुम। ट्रू पाकिस्तानी, पापड़ों की जान यहाँ भी नहीं छोड़ी। यार वो दूसरा वाला पसंद था ना, मेरा पसंद नहीं आया तो हमने ये पैकेट चेंज कराया। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, एक अकेले अकेले एंजॉय करते थे, अब ये खुलने की देर है, बहुत सारे हाथ आ जाएंगे इसके अंदर। मैं बोल रहा मैं दो लूंगा, मैं दोबारा लूंगा। थैंक यू स्मान, नो यू कैन टेक, इट्स ओके। सॉरी क्यों कर रहे हो? मैं आपको डांट।
आपने मुझे डांटा था सॉरी मैंने भी तो डांटा था ना आपको। नहीं मैंने वैसे डांटा नहीं था, मैं तो समझा ही रही थी, है ना। आज सनी मैंने डांटा था, आज तो शमान ने मुझे डांटा था। वो देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है। क्या जी, तो हम लोग अपने वो फेवरेट, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, एरियाना कबाब रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी। सो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना फेवरेट वाला शवारमा खाने। सो अभी काशिफ और अब्दुलरहीम गए हैं लेने। एक्चुअली हमने स्कूटी जो है वो लेने आए थे अब्दुलरहीम के लिए और अब्दुल सुबहान के लिए, लेकिन स्कूटी का मसला ये हुआ कि वो बहुत छोटे साइज़ की थी, तो वो अब्दुलरहीम के लिए तो ठीक थी लेकिन सुबहान के लिए ठीक नहीं थी। तो सुबहान कहता है कि मैं तो लूँगा। मैंने कहा तो सुबहान कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, बहुत जल्दी छोटी हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि मुझे अब नहीं दिलाएं, तो मतलब आपके साइज़ की तो हो ना। लेकिन अब तो सुबहान साहब को तो आ गया फुल गुस्सा कि मुझे क्यों नहीं दिलाई। मैंने कहा हम कहीं और से देखेंगे और आपके लिए आपके साइज़ की लेंगे। जैसे वो चला रहा है ना, तो ये बिल्कुल मतलब पूरी पूरी है इसको ना, और अब्दुलरहीम के लिए साइज़ बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी बड़ी लूँ। तो मैं बस चाह रही थी थोड़ी सी बड़ी इससे हो ना, जो तो वो इसके लिए ज़्यादा ईजी रहेगी। माशाल्लाह ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो थोड़ा सा भी और लंबा हुआ तो ये बहुत छोटी लगने लग देगी। सो इसलिए हमने ये अब्दुलरहीम को दिला दिया और अब्दुल सुबहान साहब फुल गुस्से में बड़ी मुश्किल से सेट हुए। मैंने कहा अभी ये है ना, आप चलाओ तो आपको दिला देंगे, बाबा नहीं हूँ। कह रहे आप लोग आप नहीं दिलाएंगी। मैं कहा चलो जी, ये तो इसको ये बड़ी आदत है, हर चीज़ को कह देगा आप नहीं कराएंगी, हालांकि करवा भी दो फिर भी कहेगा आप नहीं करवाएंगी। तो खैर इसलिए अब्दुल सुबहान साहब सॉरी कह रहे थे क्योंकि ये गुस्सा काफ़ी कर रहा था। तो बस अभी खाएंगे शवारमा। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. हम ये लेने तक नहीं आए थे। उन्होंने क्या करनी है आपने? उन्होंने नहीं मुझे आती खेलनी। नहीं ना। ओके ले लो ले लो ले लो। लूडो लेनी है। यहाँ पे आपको लग रहा है कोई भी अच्छी नहीं है? लूडो है बट ये है कि छोटी है। छोटी है? हाँ। ये बड़ी लग रही है ये वाली। हाँ वो जंबो लग रही है। अच्छा लूडो है यार, और ये 6 लोगों वाली है। हाँ ना, हम सब खेल सकेंगे। आई थिंक ये ओपन भी हो जाएगी, बॉक्स वो सील्ड नहीं हुआ हुआ। इसको ओपन करके देख लें इसकी। हाँ यार ये अच्छी है, बच्चे ख़राब भी नहीं कर सकेंगे। दिस इज गुड, ये ले लेते हैं। अच्छी है, सही है, ठीक है ये लेते हैं। ये इसकी रोटियाँ तो कम है, कम है नहीं पूरी है, चार है ना, 8 होने, वो 6 होने, 6 का 7 होने। ओ या अंदर तो नहीं है ये, इसके नीचे। लेकिन होता तो इधर ही होता ना, वो भी नहीं है, इसका डाइस भी नहीं है। देखें इनका जहाज यहाँ उड़ रहा है, इनकी ट्रेन आ रही है। हमारी शॉपिंग डन हो गई है। बच्चों को और बच्चों की अम्मा को बच्चों के बाबा ने बहुत मुश्किल से निकाला है यहाँ से। हम लोग एक्चुअली मास्क लेने गए थे, मास्क हमें मिला नहीं, लेकिन और बहुत कुछ मिल गया हमें, है ना अंदरी। ओके अच्छा मार्टा ये।
हमारी आज की शॉपिंग कुछ यूं है। आज हमने स्टेनर्स इकट्ठे किए हैं, साथ में एल्युमिनियम फॉइल है, प्लस ऑयल, बिस्किट्स। बिस्किट्स जो हैं ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। लाती मैं अपने लिए थी पहले, लेकिन उनको ये स्नैक लगता है, उनको जब नज़र आता है ना उन्हें होता है मम्मा ये दे दें हमें, तो मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं बिस्किट्स कभी कभी, तो ये अच्छी चीज़ है। ऑल दो काशिफ को नहीं पसंद, वो मुझे ये कहते हैं नहीं ये नहीं खाया करो चाय के साथ, ये हेल्दी नहीं होते, लेकिन क्या करें दिल करता है यार जी। ओके जी, तो लूडो ली है मैंने, जो कि मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट एक एक्टिविटी के तौर पे मैंने ले ली। अभी तक हमने खेली थी ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रही है, मैंने कहा थोड़ा फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी खेलेंगे। और मेरा दिल था कि मैं पज़ल लूँ ना, हम सबको पज़ल भी बनाने का बहुत शौक है, तो लेकिन वो बस नहीं ले सके, इतनी कोई अच्छी वहाँ मिली नहीं हमें, तो खैर लूडो अच्छी मिल गई। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।